हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी ये देख के आप समझ ही गए होंगे ये अब कुछ काम का नहीं है, तो मैंने सोचा फेंकने के बजाय क्यों ना इसे कुछ किया जाए। मैंने इस तरह का लड़िया लिया है जो कि 10 पीस मिलता है 30 रुपए के पैकेट में। पैकेट कुछ इस तरह से आता है, तो शुरू करते हैं। मैंने फेविकल से शुरू कर दिया है काम। फेविकल में इसके चारों तरफ लगाऊंगी। फेविकल से आर्ट एंड क्राफ्ट जब भी करोगे तो फेविकल लगाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फेविकल अच्छे से लगाओ, हल्का सा सूखने दो, उसके बाद कोई चीज़ चिपकाओ, फिर जाके वो अच्छे से चिपक जाती है। चारों तरफ मैंने फेविकल लगा लिया है, ये हल्का हल्का सूख भी गया है। अभी मैं इसके चारों तरफ लड़ियाँ लगाऊंगी कुछ इस तरह से। आप चाहे तो कोई भी कलर का कम्बिनेशन ले सकते हो जो आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर येलो और रेड का कम्बिनेशन लिया है। वाइट के साथ कोई भी डार्क कलर यूज़ कर सकते हो, वो और भी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। चारों तरफ बॉर्डर में लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अभी सेंटर पे मैंने राउंड करके फेविकल लगाया है। फेविकल को हल्का सा सूखने के लिए देना है, तब जाके लड़िया लगाना है। लड़िया को मैंने बराबर में काटा है, सेम साइज में। मैं राउंड करके उसको इस तरह से चिपकाऊंगी। इसके बाद इसको 3-4 घंटे सूखने के लिए देना है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब कुछ ये इस तरह दिखेगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, ये लड़िया इतने हल्के होते हैं, फेविकल से आराम से चिपक जाते हैं। बस सूखने के लिए टाइम देना होता है उसको। तो आप भी मेरी तरह पुरानी चीज़ों को फेंकने के बजाय उसको इस तरह से रीयूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।